कैसा रहेगा अगर हम GTA के सारे मैप को एक ही गेम में इंस्टॉल करके प्ले करें? यार सुनने में इतना अमेजिंग लग रहा है यार, जब अपन इंस्टॉल करेंगे तो कैसा लगेगा? वीडियो पे हम इंस्टॉल करने वाले हैं GTA San Andreas पे GTA के सभी मैप। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर क्या रहे हो, नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसको दबा दो, बाजू में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दो। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैप पे इंसर्ट होना चाहते हैं तो सिंपली आपको GTA San Andreas के इस लोकेशन पे आ जाना, ये मार्क पे आ जाना, एंड यहाँ से आपको एक ब्रिज देखने को मिलेगा। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर आपको जो राइट हैंड साइड में जो आपको ब्रिज देखने को मिल रहा है, जो मूव हो रहा है यहाँ पर, आपको जो डिवाइड हो रहा है ये आपका GTA Vice City का मैप है। जो अदर हैंड साइड जो आपको ब्रिज जा रहा है, अदर हैंड साइड जो आपको ब्रिज जा रहा है वो GTA 3 के मैप पे आपको ले जा रहा है। तो वेल गाइस आपको इसी लोकेशन पे आना है, तो हम चलते हैं GTA Vice City के मैप पे। तो वेल गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हम GTA Vice City के मैप पे आ चुके हैं, एंड जैसे ही अपन मैप पे इंसर्ट हुए तो सबसे पहला चीज मेरे को जो देखने को मिला कि भैया इस मैप में आपको फुल मैप देखने को मिलता है। मतलब आप बोलोगे भैया आप फुल मैप क्यों कर रहे हो, इसमें थोड़े ना अपना मिशन देखने को मिल रहा है। भैया मिशन आप यहाँ पर कंप्लीट नहीं कर सकते, बट आप मैप को पूरा फुल एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पर आपको पूरे वेजिटेशन, पूरा पेड़ पौधा, कार को रिप्लेस कर दिया गया है GTA San Andreas से GTA Vice City पे। आपको काफ़ी ओपी एक्सपीरियंस होने वाला है। एक और चीज़ काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है, जो भी गेम में जो इंटीरियर्स आपको देखने को मिलते हैं, आप जो भी कटसीन के टाइम पे वॉच करते हो उनको भी फ्रीली एक्सेस कर सकते हो। वेल गाइस यहाँ पर आपको ग्राफिक्स जो देखने को मिलेगा वो GTA San Andreas को मिलेगा, तो उसको और इनहेंस बनाने के लिए आप कोई भी ग्राफिक्स मोड का यहाँ पर यूज कर सकते हो। हम आ चुके हैं GTA 3 के मैप पे, एक्सपीरियंस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा अगर आप कोई भी एक ग्राफिक मोड इंस्टॉल कर लेते हो। तो वेल गाइस यहाँ भी आपको फुल मैप देखने को मिल जाता है GTA 3 का। यहाँ भी आपको पूरे जो कार्स रहते हैं, जितने भी पेट्स रहते हैं, वो सब रिप्लेस हो चुके हैं GTA 3 के, एंड सेम यहाँ भी कटसीन में इंटीरियर्स दिखाए जाते हैं। तो सिंपली आप फ्रीली एक्सेस कर सकते हो, मतलब मैप को आप फ्रीली रोम कर सकते हो। यहाँ पर आपको मिशंस देखने को तो नहीं मिलेंगे भाई मिक्स मोड की, तो मिक्स मोड में आप देखने को मिलते हैं पहला GTA San Andreas, दूसरा GTA Vice City, एंड तीसरा है हमारा GTA 3। GTA 4 एंड GTA 5 के लिए आपको अलग से मैप मोड को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उन मैप मोड्स को भी अगर आपको इंस्टॉल करना है तो भैया लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं GTA 4 के मैप मोड के ऊपर। पहले अपन यूज करने वाले GTA 4 के मैप मोड को। मैप मोड में अगर आप कोई ग्राफिक्स ENB ग्राफिक्स इंस्टॉल करते हो तो भैया आपका गेम क्रैश करेगा, बहुत ही खतरनाक क्रैश करेगा। तो इसलिए मैंने मैप GTA 4 के मैप मोड में कोई भी ग्राफिक्स ENB ग्राफिक्स इंस्टॉल नहीं किया है। आपको काफी अच्छा ग्राफिक्स क्वालिटी मिल जाता है, जो GTA San Andreas का ग्राफिक्स क्वालिटी मिलता है, सेम एस इस GTA 4 के मैप मोड में भी आपको सेम ग्राफिक्स क्वालिटी देखने को मिल जाता है। GTA 4 के पेट्स एंड जितने भी व्हीकल्स है वो सभी रिप्लेस देखने को मिलते हैं। मैप को पूरा एक्सेस कर सकते हो, मतलब फ्रीली इधर उधर रोम कर सकते हो, एंड यहाँ पर आपको कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। GTA 4 मैप मोड पे क्या अपन मिशंस कंप्लीट कर सकते हैं? तो जवाब है नहीं दोस्त, कंप्लीट नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप GTA 4 को फ्रीली रोम करना चाहते हैं तो आपके लिए काफी ओपी ये मैप मोड होने वाला है, एंड जरूर से ट्राई करना यार, काफी मजा आने वाला है। यहाँ पर GTA 5 के मैप मोड को भी सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया है, एंड वेल गाइस इस मैप मोड का क्या कहना, ग्लिचेस देखने को मिलेंगे, बट यहाँ पर आपको जो कार्स रहते हैं GTA 5 के वो रिप्लेस नहीं मिलेंगे, पेड रिप्लेस नहीं मिलेंगे, बट हाँ यहाँ पर आपको पूरा GTA 5 का मैप देखने को मिल जाता है। या इस मैप मोड में आपको वेजिटेशन, जो प्लांट्स रहते हैं, जो ट्रीज रहते हैं, वो यहाँ पर थोड़ा मिसिंग देखने को मिल जाते हैं। तो वही आपको GTA San Andreas का यहाँ पर आपको कार्स देखने को मिल जाए, कुछ यहाँ पर कार्स को रिप्लेस किया गया, बट ऑलमोस्ट मैं सभी को नहीं बोल सकता। 5 का पूरा मैप यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, मतलब इस पूरे आप मैप को पूरा एक्सप्लोर कर सकते हो, फ्रीली इधर उधर घूम फिर सकते हो। बट इस मैप में दोस्तों आपको थोड़े ग्लिचेस देखने को मिलेंगे, बट हाँ इस मैप में आप कोई भी ग्राफिक बोर्ड इंस्टॉल कर सकते हो एंड गेम को काफी हाई टेक्सचर एंड हाई ग्राफिक्स क्वालिटी में आप एक्सपीरियंस ले सकते हो। हमारा मैप है गेम का वो काफी बड़ा हो गया है। तो वेल गाइस आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, एंड दोस्तों पसंद आया इंस्टॉल करने का मन कर रहा होगा, नीचे आपको सभी मोड्स का लिंक मिल जाएगा। अगर आप थोड़ा फास्ट ट्रैक जाना चाहते हो, अरे नहीं मेरे को इंस्टॉल नहीं करना, वन क्लिक करके गेम खेलना है, तो आपको सीधे मेरे वेबसाइट पर जाना है, इंस्टॉल मैप मोड गेम को डाउनलोड कर लेना है। तो वेल गाइस बस यही था आज की वीडियो पे, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड अपने प्यारे रसगुल्ले दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जो इस मैप मोड को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। तो मैं मिलता हूं एक और नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।